हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज जो है वो हम एंजियोस्पर्म के प्रीवियसर क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में लगभग हमने 52 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आज उसी के आगे जो है वो हम प्रीवियसर क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम पर डेली शाम 7 बजे और 9 बजे प्रीवियसर क्वेश्चन की क्विज होती है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, उसी के बाद इन्हीं क्वेश्चन की जो है वो क्विज होगी, इससे ये क्वेश्चन जो होंगे वो अच्छे से कम्प्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, वैसे ये 53 क्वेश्चन नंबर है और आज का जो है वो पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, ये लिस्ट दी गई है, इनको हमें इस लिस्ट से इस लिस्ट को मैच करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले दिया गया है गाइनेंड्रोफोर, यहाँ पे दिया गया है कैलोट्रोपस, नेक्स्ट टेट्राडाइनेमस एग्रीगेटम सिनेंजियस एंड क्रेटिविया गाइनोस्टेजियम एंड ब्रेसिका। तो देखिए सबसे पहले जो हमें आते हैं इजीएस्ट जो होते हैं, जैसे गाइनोस्टेजियम है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जो गाइनोस्टेजियम है, गाइनोस्टेजियम किस में पाया जाता है, कैलोट्रोपस में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से मैच करूँ इसको, ये जो है कैलोट्रोपस में पाया जाता है। तो डी का जो है वो वन हो जाएगा, तो डी का वन जो है वो दो जगह पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब हमें एक और मिलाने की ज़रूरत है, जैसे अब टेट्राडाइनेमस है, तो टेट्राडाइनेमस जो कंडीशन है वो किस में पाई जाती है, ब्रैसिका में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी का फोर हो गया। तो बी का फोर यहाँ पे देख लेते हैं कि बी का फोर कहाँ पे, ये लास्ट ऑप्शन में है बी का फोर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइनेंड्रोफोर में क्या है, क्रेटिविया में, और सिनेंजियस जो है वो एग्रीगेटम में। तो ये हमने सारे मिला दिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, हु हैज़ डिवाइडेड द डाइकोटिलेडंस इनटू लिग्नोसी एंड हरवेसी। द्विबीजपत्री को किसने लिग्नोसी एवं हरवेसी में विभाजित किया है, बेंथम एंड हुकर ने, बेसी ने, हचिनसन ने, या फिर क्रॉनक्विस्ट ने। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो जॉन हचिनसन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, और जो लिग्नोसी और हरवेसी को डाइकोटिलेडंस में रख दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी ऑप्शन सही है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के हैं, तो आप लोग थोड़ा समझते चलें। और अभी ये यूपीएससी में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो वाले हैं स्टार्टिंग में, ये जो यूथ कॉम्पिटिशन की बुक में है। तो आगे जो है इसमें अभी आएंगे जो GIC, PGT, TGT, DSSSB, तो लगभग अभी ये जो 50 क्वेश्चन है इसके बाद ही क्या है वो हमारे जो टीचिंग एग्जाम वाले क्वेश्चन है वो स्टार्ट जो है वो होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो ये UPSC में पूछे गए क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्या है, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने इसी चैप्टर में देखा है, जो लिग्नुलिड लीप वाला और लोडिक्यूल्स वाला आया था जो क्वेश्चन, वो हमारे GIC में पूछा गया था और TGT में आई थिंक पूछा गया था, और जबकि वो क्वेश्चन जो है वो UPPCS प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चन थोड़े टफ है, मैं फिर से कहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर, मोनोसिस प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन। उभयलिंगाश्री पौधे एवं एकलिंगी पौधे पाए जाते हैं जेंथियम स्ट्रोमेरियम एंड जियामेज में, कुकरविटा मैक्सिमा एंड आर्जिमोन मैक्सिकाना में, या फिर एग्रीगेटम में, या फिर कार्डिफोलिया में, या फिर आइवरी समारा में, और या साइडा एक्यूटा में। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जेंथियम स्ट्रोमेरियम या फिर जियामेज, ये दो ऑप्शन है इसमें ये सही है। क्योंकि ये मोनोसियस तो होते हैं, मोनोसियस का मतलब जो मेल और फीमेल फ्लावर होंगे वो एक मतलब एक प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। बट कभी कभी फ्लावर्स क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। मतलब प्लांट्स तो इनके क्या है, मोनोसियस है, लेकिन इनके जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। मतलब जो मेल और फीमेल होंगे वो सेम प्लांट पर हो सकते हैं, जबकि प्लांट जो है वो मेल फीमेल के हैं वो सेम ही प्लांट पे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नेट लीफ एंड वर्सेटाइल एंथर इज फाउंड इन पेपावरेसी, मालवेसी, लैमिएसी, या फिर पोएसी। देखिए जहाँ पे लिग्नेट लीफ आ जाए वहाँ पे आप पोएसी के साथ चले जाएँ, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 57 क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज स्पैडिक्स इनफ्लोरेसेंस इज फाउंड। निम्नलिखित किस कुलों के युग्मक में स्पैडिक्स पुष्करम पाया जाता है। देखिए केला में आपने देखा होगा, जो स्पैडिक्स का मतलब जो होता है वो थिकी टाइप का जो होता है, जिसमें ये केला, जिसको हम नॉर्मली हमारे यहाँ की भाषा में इसको गार बोलते हैं कि केला की गार है, तो इसी में क्या है, ये केला इस टाइप से लगे रहते हैं, तो ये जो है इसको स्पैडिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि स्पैडिक्स जो है वो किस में पाया जाता है। तो स्पैडिक्स जो केला की फैमिली होती है वो कौन सी होती है, म्यूजेसी। तो हम ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे, तो यहाँ पे एरिएसी और म्यूजेसी जो है वो आंसर सही हो जाएगा। इसी में क्या है, स्पैडिक्स जो इनफ्लोरेसेंस वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द फ्लोरल फार्मूला ऑफ आर्जिमोन मैक्सिकाना, यहाँ पे आर्जिमोन मैक्सिकाना का फ्लोरल फार्मूला पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए फ्लोरल फार्मूला दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, पेरियंथ यहाँ पे पाया, मतलब पेरियंथ जो है फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन पेरियंथ जो है वो आर्जिमोन मैक्सिकाना में नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलेक्स 2+2 और करोला 4। देखिए कैलेक्स जो है आर्जिमोन में 3 होते हैं, तो हम इस पे भी नहीं जाएंगे, तो कैलेक्स 3 जो है वो इसमें है और किसी में नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलेक्स 3 और करोला 3+3 और जो एंड्रोसियम है वो इन्फिनेटिव है और गाइनोसियम जो है वो 4 और 6 के अरेंज है, और यहाँ पे क्या है, पेराइटल प्लासेंटेशन जो है वो पाया जा रहा है, तो यहाँ पे पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस और पेराइटल प्लासेंटेशन जो है इसको बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ICVN इन विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन प्लांट नेम पब्लिश्ड आर ट्रीटेड एज नेमिन न्यूडा। ICVN के अनुसार निम्नलिखित किस ग्रंथ में प्रकाशित नाम नोमिन न्यूडा जो है वो माने जाते हैं, यहाँ पे जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, स्पीसीज प्लांटेरम, जनरा प्लांटेरम, हॉर्टियस क्लीफॉर्टियंस और हॉर्टियस बेंगालेंसिस, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्पीसीज प्लांटेरम, ICVN के अनुसार जो पब्लिश हुआ था बुक स्पीसीज प्लांटेरम, उसी में जो नेमिन है उसको न्यूडा जो है वो कहा गया है, न्यूडा के नाम से ट्रीट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फिर से ये मैच करने के लिए दी गई है, लिस्ट है ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लिस्ट है, तो हमें यहाँ पे प्लासेंटेशन मैच करने हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्लासेंटेशन दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम इजी जो फैमिली होती है हम उनका प्लासेंटेशन जो है देख लेंगे, तो यहाँ पे देखिए सोलनेसी इजी है, तो सोलनेसी में जो है कौन सा जो है प्लासेंटेशन पाया जाता है, तो सोलनेसी में हमेशा क्या है, एक्साइल प्लासेंटेशन पाया जाता है, तो एक्साइल प्लासेंटेशन कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन में है। नेक्स्ट पेपावरेसी का भी हमें पता है, तो पेपावरेसी का जो प्लासेंटेशन है वो कौन सा होता है, पेराइटल प्लासेंटेशन, तो सी का जो है वो बी हो जाएगा। अब हम इसके साथ जो है वो आंसर लगा सकते हैं, यहाँ पे बी में देख लीजिए जहाँ पे थर्ड आ रहा होगा, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। जैसे सोलनेसी में एक्साइल प्लासेंटेशन है और पेपावरेसी में पेराइटल है, और एस्ट्रेसी में क्या हो जाएगा, एस्ट्रेसी में बेसल प्लासेंटेशन हो जाएगा, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे कौन सा बचा, एस्ट्रेसी में तो हो गया, कैरियोफिलेसी में देखते हैं, कैरियोफिलेसी में कौन सा हो जाएगा, पेराइटल फ्री वाला, तो ए का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का जो 4 है, ए का 4 यहाँ पे दो ऑप्शन में देखिए दिया गया है, तो यहाँ पे इस हिसाब से यही ऑप्शन जो है वो सही है, इसका सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिसमैच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्री एंड फैमिलीज, यहाँ पे फैमिली दिए गए हैं और वो पेड़ जो पौधे हैं ट्री के नाम दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा पौधा जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो साइज है मैरोमेट का, मायटेसी बिल्कुल सही है, टेक्टोना ग्रैंडिस बर्बिनेसी से बिल्कुल सही है, कैसे फिस्टुला जो है वो सीजल पीनीएसी से बिल्कुल सही है, जबकि फाइकस रेसिमोजा तो ये जो है वो यूफोरबिएसी से जो है वो बिलोंग नहीं करता है, जबकि फाइकस रेसिमोजा जो है वो मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्टाइलोपोडियम इज फाउंड इन, स्टाइलोपोडियम जो है वो पाया जाता है रेनानकुलेसी में, एनोनेसी में, एपीएसी में, पोएसी में, तो स्टाइलोपोडियम जो है वो पहले भी हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ये एपीएसी में जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट वाज प्रपोज्ड बाय, पौधों की कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति प्रतिपादित की गई थी लीनियस द्वारा, बेंथम और हुकर द्वारा, बैसे द्वारा या हचनसन द्वारा, तो आर्टिफिशियल जो सिस्टम है वो लीनियस के द्वारा दिया गया था, जबकि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स विथ लेटेक्स कैडुकस कैलेक्स एंड न्यूमेरस स्टेमिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, यहाँ पे रबड़ छीरयुक्त पौधे आशुपाती बाह्य दल पुंज एवं अशंख पुंकेसर लक्षण जो है वो किसमें होते हैं, मायटेसी में, रोजेसी में, एकेंथेसी में, पेपेबरेसी में, जहाँ पे भी प्लांट विथ लेटेक्स आ जाए और कैडुकस कैलेक्स वहाँ पे हम पेपेबरेसी के साथ चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर यहाँ पे आ जाता प्लांट विथ लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर आ जाते और यहाँ पे U4VAC ऑप्शन में दिया होता तो वो वहाँ पे U4VAC के साथ जाते हम, लेकिन यहाँ पे क्या है कैडुकस कैलेक्स है, तो इसीलिए हम क्या है पेपावरेसी पे जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ फैमिली पामेई. तो जो पामेसी फैमिली है उसका जो वैकल्पिक नाम है वो कौन सा है, एपिएसी, एलनजीएसी, एरिकेसी और एस्ट्रेसी. तो इसका जो है नाम एरिकेसी है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पामी का क्या है, एरिकेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इटेरियो ऑफ एकिन्स विथ हेयरी परसिस्टेंस स्टाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एकिन्स का जो पुंजफल होता है और जो रोमयुक्त चिरलग्न वर्तिकाएं जो होती हैं किसका उदाहरण है, वो रेनिनकुलस नाइजेला का, क्लीमेटिस नार्वेलिया का, या फिर एग्रीगेटम ट्राइडेक्स का, या फिर नीरियम रोवोल्फिया का. नीरियम यहाँ पे कनेरा, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, ये क्या है, सर्पगंधा है. तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेनिनकुलस. और जो नाइजेला है वो क्या है, इटेरियो ऑफ एकिन्स है, विथ किसके द्वारा, हेयरी परसिस्टेंस जो स्टाइल है उसी का जो एग्जाम्पल वो कौन सा है, रेनिनकुलस और नाइजेला. तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वोल्व्यूलेशी एंड सोलनेसी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय. जो कन्वोल्व्यूलेशी और सोलनेसी फैमिली है वो उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, तो ऐसे कौन से करेक्टर हैं जिनके द्वारा उनको डिफ्रेंशिएटेड किया जा सकता है. तो ऑप्शन है गैमोपेटेली करोला, एपिपेटेलस स्टेमिन्स, या फिर प्लासेंटेशन, या फिर पॉलीपेटेलस करोला. तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लासेंटेशन के थ्रू क्या है हम इनको अलग जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि जो सोलनेसी होती है उसमें एक्सल प्लासेंटेशन पाया जाता है, और जो कि शॉलिन होता है प्लासेंटेशा, तो इसी के द्वारा क्या है हम इसको विभेदित कर सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे सी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी पाइन एप्पल, सॉरी माय मिस्टेक, प्रिंसिपल नहीं है, पाइन एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इटेरियो ऑफ वेरीज आशोरोसिस एंड एग्रीगेट ऑफ ड्रूब्स एंड अ सिंपल फ्लैशी फ्रूट. तो जो पाइन एप्पल है वो कौन सा है, आशोरोसिस, एक सोरोसिस का फ्रूट है. तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट विथ लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था इसको, प्लांट विथ लेटेक्स एंड कैडुकस कैलेक्स, यहाँ पे प्लांट लेटेक्स विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो हम यहाँ पे किसके साथ जाएंगे, यू4बीएसी के साथ. तो ऑप्शन नंबर इसका कहाँ पे, जो सी है वो सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, फलों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या पोमोलॉजी. तो यहाँ पे सभी को पता होगा फलों की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं. ऑप्शन नंबर इसका सी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोपा बेलाडोना बिलोंग्स टू फैमिली. जो एट्रोपा बेलाडोना है वो बिलोंग कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, सोलनेसी, लिलिएसी, रूबिएसी या ब्रैसिकेसी. तो जो एट्रोपा बेलाडोना है वो सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बिटेलिन पिगमेंट है किसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फीचर्स है, चीनोपोडियसी का, मालवेसी का, रूटेसी का, या फिर रोजेसी का. तो जो बिटेलिन है वो चीनोपोडियसी फैमिली का, जो बथुआ की फैमिली होती है, बथुआ जो होता है जिसके हम पराठे वगैरह बनाते हैं, चीनोपोडियसी ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है. तो बिटेलिन पिगमेंट क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनेटिक नेम इट इज़ नोन एज. जब जातीय नाम जो है वो वंशीय नाम को बिल्कुल दोहराती है तो उसे क्या कहते हैं, बेसोनेम, टोटोनेम या होमोनोम या फिर सिनोनेम. तो जब जो जाति का नाम है वो और जो जाति का नाम जो है वो वंश के नाम को दोहराता है, मतलब जो स्पीसीज का नाम है उसको दोहराता है, सॉरी जो जेनरा के नेम को दोहराता है, जेनरिक नेम को, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको टोटोनेम बोलते हैं. ऑप्शन नंबर इसका बी सही है. ये देखिए काफ़ी बार जो यूपी टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन जो है वो आया है. तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पल्स. निम्नलिखित में से कौन दलहन नहीं है, बिगना मुंगो, कैजिनस कजान, या फिर लेंस एस्कुलेंटस, या फिर ओराइजा सेटाइवा. तो जो इसमें से जो दाल है वो ओराइजा सेटाइवा नहीं है, क्योंकि ओराइजा सेटाइवा क्या है, चावल को बोलते हैं, और जबकि ये सारे जो पल्सेस वगैरह हैं बिगना और कैजिनस कजान जो अरहर की दाल को बोलते हैं, बिगना मूंगो मूंग की दाल को बोलते हैं, तो ये सब दाल हैं, और जबकि डी जो है वो ओराइजा सेटाइवा ये चावल है. तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द माइक्रोस्पोर टेट्राड हैज़ ओनली वन फंक्शनल माइक्रोस्पोर. निम्नलिखित कुलों में से कुछ कुल के लघु बीजाणु जो होते हैं चतुष्क में केवल एक ही प्रकार लघु बीजाणु होता है, मतलब में इसमें टेट्राड मतलब चार जो हैं वो माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है, एक ही फंक्शनल होता है. तो वो ऐसी कौन सी फैमिली है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं क्रूसीफेरी, पोएसी, साइप्रेसी या सोलनेसी. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्रूसीफेरी फैमिली भी टेट्राड फैमिली कहते हैं, टेट्राडाइनेमस उसमें कंडीशन पाई जाती है, लेकिन यहाँ क्या है वन फंक्शनल की बात कर रहे हैं वो, तो यहां पे किसके साथ जाएंगे, साइप्रेसी के साथ. तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी सही है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइनोस्टेजियम इज फाउंड इन द फ्लोर ऑफ जो पुंवर्तिकाग्र छत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? नीरियम, ये कनेर है, कैथेरेन्थस, कैलोट्रोपस, और कैलोट्रोपस क्या है, ये अकौआ है, इसी में क्या है, गाइनोस्टेजियम पाया जाता है। अभी हमने जब मैच किया था, लिस्ट को मैच करने के लिए आया था, तब भी उसमें ये कैलोट्रोपस आया था, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे देखिए फिर से करेक्टली मैच्ड के लिए दिए गए हैं, फ्रूट सिप्सेला एस्ट्रिएसी, फ्रूट पीपो कुकरविटेसी, फ्रूट सिल्कुआ, यहाँ पे फ्रूट सिल्कुआ ब्रैसिकेसी, और फ्रूट कैरियोप्सिस साइप्रेसी। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर हमें क्या है, सही जो सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है। तो जो फ्रूट कैरियोप्सिस है वो साइप्रेसी फैमिली का जो नहीं है, कैरियोप्सिस क्या है, ड्राई सीडेड जिसको हम फ्रूट बोलते हैं, कैरियोप्सिस वो होता है, तो ये साइप्रेसी से बिलोंग नहीं करता है, और ये कैरियोप्सिस जो है वो टिपिकल जो सीरियल्स और ग्रासेस होते हैं उनसे बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है, मतलब यही जो आंसर है वो गलत है। इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स इज फाउंड इन, देखिए फ्रूट जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट से आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएं, एक क्वेश्चन तो इससे 100% है कि आना ही आना है, तो आप ये आप याद रख के फ्रूट चैप्टर को ना भूलें। और तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें इटेरियो ऑफ एकिन्स सॉरी इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स इज फाउंड इन पायरसमेलस, प्यूनिका ग्रेनेटम एंड मैग्नोलिया ग्रैंडिफोलिया या मोरस अलवा, जिसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। जो मैग्नोलिया ग्रैंडिफोलिया है वो इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स होता है, मतलब इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स जो है वो मैग्नोलिया ग्रैंडी फ्लोरा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेटल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन, पैरेटल प्लासेंटेशन जो है वो पाया जाता है मालवेसी में, कैरियोफिलेसी में, पेपेबरेसी में या एस्ट्रेसी में, तो जो पैरेटल प्लासेंटेशन है वो पेपेबरेसी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फ्रूट इन विच पेरिकार्प एंड इंटेग्यूमेंट आर फ्यूज इज नोन एज, फल जिसमें फलवित्ती एवं बीचुल संगलित होते हैं को कहते हैं, कैरियोप्सिस, बेरी, पेपेबरेसी या फिर एस्ट्रेसी, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैरियोप्सिस। इसी में क्या होता है कि जो कैरियोप्सिस जो है वो पोएसी या फिर जो ग्रैमनी फैमिली होती है तो उससे बिलोंग करता है, और कैरियोप्सिस में क्या होता है, जो पेरिकार्प और जो इंटेग्यूमेंट होता है वो आपस में क्या है, फ्यूज़ कर जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी सही है। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, इन मालवेसी द एस्टिवेशन ऑफ करोला इज, मालवेसी में जो करोला का एस्टिवेशन है वो कौन सा होता है, क्विंक्विंसियल, वॉल्वेट या ट्विस्टेड या फिर एसेंडिंग एम्ब्रिकेट, तो जी यहाँ पे मालवेसी का जो एस्टिवेशन होता है वो ट्विस्टेड होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कैपिटुलम इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, किस कुल के फैमिली में जो मुंडक है वो पाया जाता है, मतलब जो कैपिटुलम है वो पाया जाता है, रेनकुलेसी, शॉलनेसी, एट्रेसी या फिर लेविएटी, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, एस्ट्रेसी फैमिली में जो है वो कैपिटुलम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए फिर से ये मैच लिस्ट दी गई है मैच करने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट जो है वो इस साइड दी गई है, ये देखिए इतनी लंबी जो है वो लिस्ट है, ये तो एक बार में आ भी नहीं रही है, एक मिनट इसको यहीं पे लाते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पे कैलोट्रोपस, रेनकुलस, सिप्सेला या फिर पेपेबर, यहाँ पे फिर उसकी जो लिस्ट बी में है वो कैरेक्टर दिए गए हैं, स्टैमिन्स, कार्पल वगैरह जो हैं वो दिए गए हैं। इसका देखिए सीधा सा हम आपको आंसर बता देते हैं क्योंकि लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है, तो इसका जो ये जो सही वाली लिस्ट है इसको हम दिखा देते हैं, ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। रेनकुलस जो है उसमें स्टेमिन जो होते हैं वो डेफिनेट और कार्पल वगैरह पाया जाता है, कैलोट्रोपस में फ्लावर हाइपोगाइनस प्रेजेंट ऑफ कोरोना फ्रूट पॉलिकल, और पेपेबर में फ्लावर हाइपोगाइनस मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस, और कैप्सुला में क्या है, जो बाईपोसिनस और जो कार्पल्स होते हैं टू, और फ्रूट जो होता है वो सिल्कुआ, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है इसकी जो लिस्ट है वो सही है। काफ़ी क्वेश्चन लंबा था, देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है, एक पेज में वो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 85, लेविलम इज़ फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, लेविलम जो है वो पाया जाता है पोएसी, ऑर्किडेसी, लिएसी या फिर एरिकेसी, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑर्किडेसी में क्या है जो है वो लेविलम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ बिटेलिन और नाइट्रोजनस एंथोसाइनिन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो अभी देखिए हमने विटेलिन्स था तो ये अलग है, तो यहाँ पे हम क्या ऑप्शन है इसके, सेंट्रोस्पर्मी, लिलिएसी,
ओरोबैंकेसी या पेपरबरेसी, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, सेंट्रोस्पर्मी। इसी में क्या है, जो बीटालेंस है और जो नाइट्रोजनस एंथोसाइनस है वो पाया जाता है, एक विशिष्ट लक्षण के रूप में जो है पाया जाता है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, सेंट्रोस्पर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैक्ट पेरियंथ एंड सीरा रेडिवल पार्ट ऑफ सहपत्र परिदल पुंज एवं बीज खाने योग होता है, कोकस न्यूसिफेरा, आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस, मैग्नीफेरा इंडिका, आर्जिमोन मैक्सिकाना, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस। इसमें जो ब्रैक्ट पेरियंथ और जो सीड होता है वो खाने योग होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉटनिकल नेम ऑफ बरसीम इज, बरसीम का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या होता है, लेंस एस्कुलेंटस और साइमोपिस टेट्रागोनोलोबा या फिर ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम या फिर क्रोटोलेरिया जंसिया, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम जो है इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जो बरसीम होती है, बरसीम जो जिसे गाय भैंस को चारे के रूप में खिलाई जाती है और ये मोस्टली क्या है, विंटर सीजन में होती है, इसको विंटर क्रॉप भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट इन द प्रोजेनी ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस, निम्नलिखित में से यहाँ पे ये क्रॉस दिए गए हैं, तो इसमें होमोजाइगोट की जो बारंबारता वो पूछी गई है, तो देखिए बहुत टफ क्वेश्चन है, इसका सीधा सा आंसर आप लगा लीजिए, एक वन अपॉन जो 16 है वो होती है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फैमिली स्यूडो एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, किस फैमिली में जो होता है वो स्यूडो एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो सैक जो है वो बनता है, तो ऑप्शन इसका जो है वो पोडोस्टेमेसी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोलॉजिकल विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस बीन सेपरेटेड फ्रॉम लिलियसी, यहाँ पे एक जीनस का नाम पूछा गया है जो कि साइटोलॉजिकली जो करेक्टर शो करता हो और लिलियसी से सेपरेट हो, तो लिलियसी, अगेव, कैरेक्स और नेक्स्ट है इल्यूशाइन, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, अगेव जो है जीनस है वो जो सेपरेटेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट जो पीपो है विथ वन सीड इज फाउंड, पीपो फ्रूट के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, जिसमें क्या है, एक सीड पाया जाता है, कुकरबिटा मैक्सिकाना और लैगनेरिया वल्गैरिस, सिक्कम एड्यूल या मोमोल्डिका डायोस्टिया, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, सिक्कम एड्यूल जो है उसका आंसर है, जिसमें फ्रूट तो जो होता है वो पीपो होता है, लेकिन किसके साथ, वन सीडेड, इसमें वन सीड जो होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट ऑफ माइटना एंड यूरेना टेक्स प्लेस बाय, माइटेनिया एवं यूरेना के जो फ्रूट होते हैं का प्रकीर्णन होता है, वाटर एनिमल, लॉस ऑफ मॉइस्चर या फिर एक्सप्लोजन, तो इसमें क्या होता है, एनिमल्स के थ्रू क्या है इसमें जो डिस्पर्सन है वो होता है, तो वी इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेमिन्स इन सिट्रस आर, सिट्रस में जो है वो स्टेमिन होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, एट फ्री, इंडेफिनिट, पॉलीडेल्फस, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, इंडेफिनिट और पॉलीडेल्फस जो है वो होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट विथ परसिस्टेंस हेयरी स्टाइल आर फॉर्म्ड इन पल में जो चिरस्थाई रोमिल वर्तिकाएँ पाई जाती हैं वो कौन सी हैं, वो रनगुलस एंड मैग्नोलिया, सोलेनम एंड आइब्रिस, क्लीमेटिस एंड नारवेलिया एंड आर्जिमोन एंड एक्लिप्टा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लीमेटिस एंड नारवेलिया, ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें फ्रूट तो पाया जाता है पर परसिस्टेंट हेयरी स्टाइल के साथ जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ द कोरोना इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्रीट की उपस्थिति, विशिष्ट लक्षण है ब्रेसिकेसी का, एस्क्लिपीडियसी का, मालवेसी का या फिर पेपेवरेसी का, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, एस्क्लिपीडियसी, इसी में क्या है जो कोरोना है वो प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन द टर्म ओमेगा टैक्सोनॉमी, यहाँ पे ओमेगा टैक्सोनॉमी जो है नाम जो है किसने प्रतिपादित किया था, टरिल ने, लीनियस ने, स्मिथ ने या फिर जॉन रे ने, तो जो टरिल नाम के साइंटिस्ट थे इन्होंने ओमेगा टैक्सोनॉमी का जो नाम है वो प्रतिपादित किया था या कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल प्लासेंटेशन यहाँ पे पूछा गया है और ऑप्शन जो है वो साइड दिए गए हैं, बेसल प्लासेंटेशन है वो क्या होता है, इज द बेस ऑफ ऑल प्लासेंटेशन इन द पॉइंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ फ्लावर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ सिंगल ओव्यूल, बिल्कुल सही है, द बेस ऑफ यूनिलोक्युलर ओवरी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि जो बेसल प्लासेंटेशन होता है उसमें जो यूनिलोक्युलर ओवरी होती है वहाँ पे एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे, बेस पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, बेसल प्लासेंटेशन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रूट इन विच द एडिबल पार्ट आर जूसी प्लासेंटल हेयर इज, वह फल जिसमें बीजांडाशन के रस द्वारा रोम खाद होते हैं, पाइनएप्पल, ऑरेंज फिर स्ट्रॉबेरी या फिर मैंगो, तो यहाँ पे क्या, ऑरेंज जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑरेंज में क्या होता है कि प्लासेंटेशन जो उसका होता है वो हेयर्स लाइक होता है और क्या होता है, जूसी पार्ट होता है, जो एडिबल पार्ट हम के जैसे ऑरेंज होते हैं ना, तो उसका जो रस होता है वो हम लोग खाते हैं, तो वही यहाँ पे पूछा गया, तो उसका जो ऑप्शन है वो ऑरेंज हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हेटरोस्टाइली पूछी गई, तो हेटरोस्टाइली जो है वो किसका मेन कैरेक्टर है, तो हेटरोस्टाइली जो है वो कैलोट्रोपस का मेन कैरेक्टर है, इसको हम सॉरी हेटरोस्टाइली यहाँ पे पूछी गई है, हेटरोस्टाइली पूछी गई, गाइनोस्टेजियम है कैलोट्रोपस का मेन कैरेक्टर, यहाँ पे क्या है प्रिमुला इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, जो हेटरोस्टाइली है वो प्रिमुला में जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियोप्सिस इज द फ्रूट, कैरियोप्सिस इज द फ्रूट इन द मेंबर ऑफ द फैमिली, यहाँ पे कैरियोप्सिस पूछा गया कि कैरियोप्सिस किसका फ्रूट होता है, तो फैबेसी, एस्ट्रेसी, पोएसी या फिर एपिएसी, तो जो कैरियोप्सिस है वो पोएसी फैमिली का फ्रूट होता है, जो पोएसी फैमिली होती है वो मोस्टली जो वीट वगैरह होते हैं, वीट, राइस, मेज, ये इसमें पाए जाते हैं, पोएसी या ग्रैमिनी फैमिली जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे कैरियोप्सिस जो है वो उसी का फ्रूट होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लेमन ग्रास, लेमन ग्रास का यहाँ पे बॉटनिकल नेम पूछा गया है, क्रिप्टोस्टेजिया, ग्रैंडीफ्लोरिया, ग्रैंडीफ्लोरा, पेपर सोमनीफेरम, सिम्बोपोगन सिट्रेसस, तो यही जो है सिम्बोपोगन सिट्रेटस, इसी का जो है वो लेमन ग्रास का बॉटनिकल नेम है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ जो है वो हमने 102 क्वेश्चन किए कंप्लीट, और ये थोड़ा स्पीड में किए क्योंकि ये जो है वो यूपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो हमें पढ़ना है एक बार इनको अच्छे से, और क्विज के माध्यम से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहेंगे, लेकिन अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें उन पर ज़्यादा फोकस करके चलना है। तो यहीं पर आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम फिर से 50 क्वेश्चन लगभग करेंगे, और आज जो है शाम के टाइम इनकी जो है वो क्विज होगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ें, और अगर टिप्स और ट्रिक्स आप के द्वारा जो है पढ़ना चाहते हैं, छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं, कोई भी टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो वो छोटी टिप्स के साथ आप उसको ट्रिक्स के साथ कर सकते हो, तो उसके लिए आप हमारे इंस्टा चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर क्या है मैं छोटी छोटी ट्रिक्स देती हूँ जिससे क्या है वो माइंड में बनी रहती हैं। तो चलिए आज वीडियो का यहीं एंड करते हैं, तो कल फिर से मिलेंगे, थैंक यू।